जैसा आपने देखा कि ऑफिस के बाहर एक कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से जो पोस्टर आप देख सकते हैं, ये पोस्टर लगा हुआ है, ये पोस्टर हमें कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से रिसीव हुआ है, जिसके अंदर एम्बेसी की तरफ से जो बाहर जाने वाले लोग हैं, बाहर जाने के इच्छुक लोग हैं, उनकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग ये पोस्टर जारी किया गया है। और आपको पता है कि लुधियाना पुलिस भी जो इलीगल ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चला रही है पिछले काफ़ी टाइम से, जिस पर हमने बड़ी कार्रवाई भी, कई बड़ी कार्रवाइयाँ की है और काफ़ी मुकदमे भी दर्ज किए हैं। इस पोस्टर के माध्यम से कैनेडियन एम्बेसी और पंजाब पुलिस लोगों को ये जागरूक करना चाहती है। ये जो पोस्टर है वो खासतौर पर कैनेडा के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि कैनेडा में इमिग्रेशन के लिए जो फीस है वो 5200 है, और इसके अलावा भी किसी भी देश में जाने के लिए भी उसकी एक स्टैंडर्ड फीस है, जो आप उस कंट्री की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। और अगर कोई ट्रैवल एजेंट उस फीस से ज़्यादा फीस आपको उस कंट्री की इमिग्रेशन के लिए चार्ज करता है, तो आप चेक करें, वेरीफाई करें, और ज़्यादा फीस चार्ज करने वाले ट्रैवल एजेंट के पास ना जाएं। और उसका जो कंसल्टेशन चार्ज है ट्रैवल एजेंट का, वो भी बहुत मिनिमम होना चाहिए। और इस ये जो फीस है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कंट्री जिसमें आप जाने के इच्छुक हैं उसकी वेबसाइट पर जाके। और ख़ासतौर पर कैनेडियन एम्बेसी ने तो हमें पोस्टर इशू किए हैं, जो भेजे हैं, उसके थ्रू हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। एक सर और पोस्टर लगा मोबाइलों को लेकर के, जो बैंक वगैरह से फ़ोन आता है कि अपना अकाउंट नंबर या OTP बता दे, उसका क्या मतलब सर, उसका भी पोस्टर लगा हुआ? जी, ये पोस्टर भी लुधियाना पुलिस की तरफ से इशू किए गए हैं जनहित के अंदर, जिसके अंदर हमने साइबर फ्रॉड और मोबाइल फ्रॉड जो होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये पोस्टर हमने जारी किए हैं। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि आपको एक फ़ोन रिसीव होता है, जिसके बाद में आपसे कुछ लोग OTP शेयर करने के बारे में, या कोई किसी बहाने से कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका ATM ब्लॉक हो गया है, या आपकी सैलरी ट्रांसफ़र करनी है, किसी न किसी बहाने से आपका OTP और आपका ATM नंबर मांगने की कोशिश करता है कॉलर। तो आपने देखा होगा जब OTP मैसेज आता है उसके अंदर भी लिखा हुआ आता है कि OTP आप अपने रहो और किसी के साथ शेयर ना करें। तो वाकई उस बात को मानते हुए आप अपना OTP, आप अपना पिन नंबर और अपना कार्ड नंबर किसी के साथ में भी शेयर ना करें, क्योंकि इससे साइबर फ्रॉड, मोबाइल फ्रॉड, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड होने के चांसेस हैं। और इसी अवेयरनेस के लिए हमने पोस्टर इशू किया गया। इसके अलावा और भी जो फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग आते हैं, उनको आप सस्पिशियस मानते हुए 2 या 3 स्तर पर क्रॉस चेक करके फिर ही कोई ट्रांजेक्शन करें। सर, ये पिछले दिनों में जो मुख्यमंत्री की वाइफ है उनके साथ भी इस तरीके का हो गया, तो उसके बाद ये पोस्टर जारी किया गया कि उसके पहले से आपने लगा रखा है? ये पोस्टर हम समय समय पर जारी करते रहते हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, उसके अलावा जो है ये पोस्टर हमने पुलिस स्टेशन्स में, चौकियों में, लोगों के बीच में वितरित किए हैं। ये पुलिस की तरफ से समय समय पर जारी किए जाते रहे, और ये पोस्टर जारी किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। इसके बाद में हम और आगे सर्कुलेट करवाएंगे इसको। इसमें सर कितनी अब तक कंप्लेंट आ चुकी होगी, जिनके अकाउंट से पैसे निकल गए या लोगों को कॉल आती है, तो आपके यहाँ शायद कंप्लेंट अगर आपके पास ही आती है, तो अब तक कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, उसमें कितने, कुछ बताया जाता है कुछ बड़े बड़े बिजनेस मैनों के अकाउंट से भी पैसे निकले हैं? देखिए, इसमें मल्टीपल टाइप्स की कंप्लेंट्स आती हैं, जो कुछ केवल फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड होती है, कुछ इंटरनेट फ्रॉड में, फाइनेंशियल फ्रॉड के साथ साथ और भी इश्यूज होते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो वो कंप्लेंट ईओ विंग में और हमारे पास साइबर सेल है उसमें डील होती हैं। इनका जो एग्जैक्ट फिगर है वो मैं आपको चेक करवा के बता सकता हूँ, लेकिन एक काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है जिसके अंदर ATM फ्रॉड जो है मेन, OTP नंबर लेके किसी के खाते से पैसा निकालने वाली काफ़ी बड़ी तादाद में कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपना ATM नंबर, अपना पिन नंबर और अपना ATM कार्ड नंबर किसी के साथ में भी शेयर ना करें। बहुत सारे केसेस के अंदर इनको जो अक्यूज़ हैं उनको ट्रेस करके और अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे केसेस के अंदर जो इन्वॉल्व पर्सन हैं वो आउट ऑफ स्टेट, और इवन आउट ऑफ स्टेट में भी एक पर्टिकुलर एरिया है कुछ 2-3 स्टेट्स का जो गैंग के रूप में काम करते हैं वहाँ के हैं, जिनकी जो आइडेंटिटी है और जिनके मोबाइल नंबर्स हैं वो भी फेक पाए गए हैं, उसमें भी पुलिस टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेट करके और जिसका भी ट्रेसेस मिलते हैं उसको अरेस्ट करती है।